विजुअल बना लिया, विजुअल का बना लिया, मैं तो पहुंचा ही हूं तेरे आगे ही के। भैया आप साइड से पकड़ लो, आईडी निकाली। TSN सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहागल अजमेर, कोरोना काल में अब पाएं एनुअल फीस पर 6,000 रुपए की छूट, टोटल फीस 18,000 रुपए। फॉर क्लासेस 11 साइंस कॉमर्स आर्ट, नो एडमिशन फी, नो लैब फी, फ्री एक्टिविटी। कलेक्टर साहब ने हमारा सम्मान करा, कोई एहसान नहीं करा, कोई एहसान की बात नहीं है, इनकी ड्यूटी है, इनका फर्ज है। इनको ऊपर से चीफ मिनिस्टर अशोक साहब ने ऑर्डर करें, चीफ मिनिस्टर साहब ने कि भाई जाके इन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का आप इनको देखो जाके। ये आज बड़ी हमें खुशी है, पुलिस भी आज हमारी खबर ले रही है आकर, क्या ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। लेकिन कभी हम देखते नहीं हैं, ना कभी पुलिस वाले हमसे पूछते हैं, ना कभी हम इनके पास नाजायज जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है, पुलिस भी यहाँ पर नज़र आ रही है मेरे घर पर। कभी दुख तकलीफ में कभी जो कलेक्टर साहब आए, बहुत अच्छा लगा। और ये जो आज़ादी मिली, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी ने एक ही नारा दिया, करो या मरो। तो महात्मा गांधी ने पूरे हिंदुस्तान में अलग जगाई, पूरी आज़ादी के लिए तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आदमी बच्चा सब, मतलब पूरे हिंदुस्तान में, और पूरा हिंदुस्तान हमें बड़ा, मतलब एक बड़ा कोई ऐसी पुण्यवाणी हमारी थी जो हमने पूरे हिंदुस्तान के दर्शन करे, पूरे भारत माँ के दर्शन करे। और हम बड़ी यातनाओं के साथ कांग्रेस की डाक को पहुंचाते थे, बड़ी यातना हमें सहते थे, बड़ी पुलिस हमें मारती थी। मर जाना बढ़िया है, यातना सहना बहुत मुश्किल का काम है, पूरी ज़िंदगी हमने यातना सही। तो ये कांग्रेस की एक देन है कि जो आज ये हिंदुस्तान, हमें गौरव है, हमें प्रसन्नता है कि हिंदुस्तान आज देश आज़ाद है, हर एक को बोलने का अधिकार है, हर एक को जो है कानून सरकार ने बना दिया है। और दो से स्वतंत्रता सेनानी लड़े, जागीरदारों से लड़े, अंग्रेज़ों से लड़े, और जब ये देश आज़ाद हुआ और हम थ्रू ऑफ इंडिया, मतलब हर एक को डाक पहुंचाते थे, नेहरू जी को भी दे के आते थे, अंबेडकर को भी दे के आते थे, वल्लभ भाई पटेल को भी, हमें बड़ा प्यार करते थे बाबूजी को, प्यार का कोई जवाब नहीं। हम कभी बनारस जाते थे तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी की जो घर से थी वो हमें गोदी में लेती थी, हमारी पप्पी लेती थी वो, और हमें माँ से भी ज़्यादा प्यार मतलब हमें देती थी उनका आमों का। ठीक, आपका बाबूजी नाम और आपकी उम्र बताओ। मेरा जन्म इसी जगह जहाँ पर आप खड़े हो, 27/4/1926 मेरी आयु है, और मैं अविवाहित हूँ, मेरी बहन मेरे को पालती है, और इसके 3 बच्चे हैं। ये इस साल के स्वाधीनता दिवस पे, चूँकि कोविड भी चल रहे हैं और अब 9 अगस्त से अगस्त क्रांति दिवस का भी ये सप्ताह शुरू है, तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो स्वतंत्रता सेनानी जीवित हैं उनके घरों पे जाकर उनका सम्मान करना, ये मुख्य उद्देश्य है। और राज्य सरकार के मंशानुसार उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया जाए और आगे की पीढ़ी भी उनके जो योगदान है उनको याद रखे, इसलिए आज घर पर पहुँच कर सम्मान किया जाए।